विक्रम भट्ट साहब की फिल्म थी 1920, और मतलब बच्चा उनका था, और फिर अगर उन्होंने ये बच्चा मेरे हाथ में सौंप दिया कि भैया अब इसको पाल पोस के बड़ा तुझे करना है, और ये मेरी पहली फिल्म भी थी, जाहिर है प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। कहानी एकदम अलग है, ये फ्रेंचाइज है, एक्टर्स अलग हैं, कैरेक्टर्स अलग हैं, डायरेक्टर अलग है, लोकेशंस अलग हैं, सब कुछ अलग है, सिर्फ हॉरर जो सेंसेशन है इसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि पिछले 1920 से दुगना है। पहले कहानी बनी और उसके बाद फिर हमने जब स्टारकास्ट के बारे में सोचना का वक्त आया तो विक्रम ने सजेस्ट किया आफ्ताब का नाम, क्योंकि विक्रम ने काफ़ी फिल्में की है आफ्ताब के साथ, तो उसने मुझे कहा कि भाई ये आफ्ताब है और अच्छा एक्टर है, इस वक्त उसका भी करियर थोड़ा सा इधर उधर नरम गरम है, तो उसको भी इतनी ज़रूरत है फिल्म की जितनी, और ही विल ऑल्सो बी एबल टू गिव टू अस दैट काइंड ऑफ एनर्जी, उसको भी उसकी भी नीड है कि एक अच्छी फिल्म बनाए वो, शैल वी ट्राई करें उसको। तो मैंने कहा कि बेशक, क्योंकि आफ्ताब बहुत ही उम्दा एक्टर है, और टिया भी विक्रम के साथ, उसका एक 3 फिल्म डील था विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ, तो आफ्ताब और टिया का नाम ऐसे ही सजेस्ट किया गया था, ऐसे ही हमने सोचा। ये नहीं है कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, भूतों में बेशक विश्वास करता हूँ मैं, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, और भगवान अगर है तो फिर भूत भी है, अगर इफ देयर इज गुड देयर इज बैड, इफ देयर इज गॉड देन देयर इज द सैटन। लेकिन मैंने अभी तक भूत प्रेत का मतलब मेरा सामना हुआ नहीं है। हॉलीवुड तो हमेशा से ही हमारे आगे ही चला है, और हम हॉलीवुड के पीछे पीछे ही जा रहे हैं। देखिए, कंपैरिजन ना करें और हमारे खुद के साथ कंपैरिजन करें तो बेटर होगा।